ने इसकी नर्सरी तैयार की थी 1 जुलाई को और 26 को ट्रांसप्लांट किया। 26 जुलाई को मैंने ट्रांसप्लांट किया। इसमें एक तो फूल के अंदर चमक है, सफ़ेद वाइट फूल रहता है, भरा हुआ है, ठोस फूल है, दबता नहीं है। ये ज़्यादा खर्चा भी नहीं खाई, नॉर्मल खर्चे में ही पैदा हो गई, अच्छी पैदा होती है और अच्छा फूल है और मार्केट भाव भी अच्छा मिलता है। दूसरी लगाई थी उससे बेहतर रिजल्ट इसी का रहा, सरनाम 456। मैं इसकी पौध भी मैं खुद ही तैयार किया था और ये जो मैंने पौध किया था उसकी ये मतलब पौध कुल मिला के दिन इस 90 दिन में ये तैयार हो जाती है और इसके फूल एकदम टाइट रहते हैं और वजन भी अच्छा मतलब 32-33 किलो की पन्नी जो प्लास्टिक की आती है अपनी जो ये 32-33 किलो का वजन हो जाता है। और इसके साथ में मैं दूसरी भी वेराइटी लगाया हूँ वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देख लो इसके फूल ऐसे हैं और इसके देखो दबाने से भी नहीं दबते। देखो इस बार मैंने नया ट्राई किया श्रीराम 456 जो अच्छी फसल देता है और देखो मेरी ये फसल है 4 एकड़ के अंदर 12 की है 4 बीघा कच्ची जिसके अंदर होती है। फूल देखो फूल में चमक है अच्छे से दे रहा है और आपको 600 से 500 ग्राम का फूल मिलेगा मंडी में जाते ही बिकने की क्वालिटी रखता है और अच्छे मुनाफा देने वाली फसल है। तो जो लगाए हैं आधा के जी 600 ग्राम 700 ग्राम तक में है एगो, इसको गठिला भी अच्छा है प्लस है कि व्हाइट भी है, बाजार में अच्छे से बिक भी रहा है और बगल जो कोबी लगाए हैं उससे ढेर अच्छा कोबी है।